नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। ग्राम पंचायत पचुवई मगरौरा में वर्ष 2019-2020 के निर्माण कार्य के शेष भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर निवर्तमान प्रधान व पचुवई में तैनात पंप ऑपरेटर ने मानदेय दिलाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को ग्राम पंचायत पचुवई मगरौरा के निवर्तमान प्रधान हरिशंकर पाल ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2019-2020 में उन्होंने ग्राम पंचायत में देव सिंह परिहार के मकान से रामेश्वर दयाल तिवारी के मकान की ओर 25 मीटर एपेक्स सड़क निर्माण कार्य कराया था, साथ ही शमशान घाट का कार्य भी कराया, लेकिन दोनों ही कार्य का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। वहीं पंचायत भवन निर्माण व सामुदायिक शौचालय निर्माण का भी भुगतान शेष है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान ग्राम पंचायत सचिव संतोष सिंह द्वारा कहा गया था कि अभी अपने निजी पैसे से निर्माण कार्यों को पूरा करो, काम पूरा होने पर भुगतान कराया जाएगा, लेकिन अभी तक शेष भुगतान नहीं कराया गया, जबकि निर्माण कार्य की MB हो चुकी है। निवर्तमान प्रधान ने जिलाधिकारी से भुगतान कराए जाने की मांग की है। वहीं ग्राम पंचायत पचुवई मगरौरा में एकल पाइप पेयजल परियोजना में तैनात पंप ऑपरेटर विष्णु कुमार ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि वह 31 दिसंबर 2018 से एकल पाइप पेयजल योजना से ग्राम में जलापूर्ति नियमित सुचारू रूप से कर रहा है। जल निगम द्वारा मानदेय दिया गया, लेकिन 31 दिसंबर से पंचायती राजभवन में हस्तांतरित होने के बाद ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा उसे पंप ऑपरेटर व वाल्व खोलने के लिए चयनित किया गया, लेकिन उसे आज तक कोई मानदेय नहीं मिला है। पंप ऑपरेटर ने जिलाधिकारी से मानदेय दिलाए जाने की गुहार लगाई है। हरीशरण पाल, क्या समस्या ले गया? समस्या, हमारे काम थे अधूरे पूरे कराए, इन्होंने कहा था हमारे सचिव ने कि 20 तारीख तक करा दिए, 20 दिसंबर तक पूरा MB करा के दीजिएगा, चाहे निजी पैसा लगाओ तो हम पेमेंट कर देंगे। 20 दिसंबर तक हमने काम निजी करा दी, MB करा के दे दी, फिर उन्होंने पेमेंट डोगल लगा दिए, क्या डोगल लगा दिए, पैसे नहीं आया हम अभी तक, हमारा पेमेंट नहीं हुआ। नहीं, विष्णु तिवारी, विष्णु कुमार, ग्राम मगरौरा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पंप ऑपरेटर पद पर काम कर रहे हैं, जब सब जल निगम में थे जब तक हमको वेतन पूरी मिली 31/12/18 तक, 31/12/18 के बाद पंचायत को सुप्रेस हुई, तो पंचायत ने आज तक मेरे वेतन मान नहीं दिया।